सभी साधकों को जय श्री राम। जय श्री राम। गुप्त बात आपको बताते हैं, सभी अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके कहते हैं। ऐसे नहीं कहा, हाथ जोड़ करके कहने कहा जाता है तो ये क्या होता है, बहुत ही गुप्त बात, और प्रार्थना कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि शंकर के भजन बिना, यानी कोई व्यक्ति शिव की पूजा नहीं करता और वह सिर्फ मेरी करता है, या मेरी पूजा करता और शंकर की नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति अनेक कल्पों तक घोर नरक में निवास करता है। अनेक कल्पों तक घोर नरक में निवास करता है। तो अगर हम राम की पूजा करेंगे तो शिव की छूट जाएगी, शिव की करेंगे तो राम की छूट जाएगी, तो कैसे करेंगे दोनों की पूजा हो। और एक तरफ शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि एक ही नाम को पकड़ लो, चाहे राम को पकड़ लो, चाहे शिव को, चाहे कृष्ण को, दो नाव में एक साथ सवार नहीं होते। लेकिन यहाँ तो श्री राम कुछ और ही कह रहे हैं कि शिव के बिना मेरी पूजा अधूरी है, मेरी पूजा के बिना शिव की अधूरी है, और घोर अनेक कल्पों तक घोर नरक में वास करता है ऐसा व्यक्ति, तो हमें तो फिर नरक में ही जाना पड़ेगा, क्या करें। कोई कर रहा है एक साथ शिव और राम दोनों की पूजा, फिर तो हम तो सब नरक में जाएंगे। अब क्या तरीका अपनाए बताओ। शिव पूजा नहीं, दोनों की एक साथ पूजा होनी चाहिए, राम जी की भी और शिव जी की भी, क्योंकि स्वयं भगवान राम कह रहे हैं, तो ये तो विचारणीय बात है, छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो ऐसी पूजा आपको बता दी गई है जिससे राम जी की भी एक साथ पूजा होगी और शिव जी की भी होगी, क्योंकि विधान यही कहता है कि दोनों की पूजा करनी है, लेकिन अलग अलग भी नहीं करी, अलग अलग तो कर ही नहीं सकते, उसकी करोगे तो उसकी छूट जाएगी, और एक साथ दो नाव में सवार हो नहीं सकते, गिर जाओगे। तो जो आपको सोहंग मंत्र बता दिया गया, श्वासों का ध्यान बता दिया गया है, जो व्यक्ति श्वासों का ध्यान करना शुरू कर देता है उससे राम भी खुश होते हैं, शिव भी खुश होते हैं। इतना ही नहीं, राम और शिव सभी भगवान खुश होते हैं, क्योंकि जो हंस हम में है वही भगवान राम के हृदय में है, वही भगवान शिव के हृदय में है, वही उनकी पूजा करोगे तो समझ लो राम की भी होगी, श्वासों का भजन करोगे तो शिव की भी होगी। श्वासों में ही शिव है, श्वासों में ही राम है। शिव का मतलब भी आनंद देने वाला होता है और राम का मतलब भी आनंददायक होता है। तो दोनों की ही पूजा हो रही है, शक्ति की भी पूजा हो रही है, राम सीता की भी हो रही है, राधा कृष्ण की भी हो रही है, लक्ष्मी नारायण की भी हो रही है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है।